नमस्कार दोस्तों, अंजू बालकनी एंड टेरेस गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस हिबिस्कस प्लांट के बारे में, जिसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये दूसरे कलर का जो देसी वाला हिबिस्कस नहीं है, और इसके अंदर देखिए आप कितनी, और छोटा सा ये मेरा गमला है कि साइज़ देख सकते हो आप, बहुत ही छोटा है। और इसकी फ्लावरिंग और इसकी कलियाँ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी हुई है। तो ये किस तरह से हुई है, मैं कौन सा इसमें खाद यूज़ करती हूँ, कौन सा, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसमें ओनली ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपने सारे प्लांट्स में ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करती हूँ। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, या फिर कभी राइस को जो उबालने के बाद पानी होता है उसको फर्मेंटेड करके डालती हूँ, और किचन वेस्ट से जो मेरी खाद बनी हुई है उसी को मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं बाहर से बनी हुई जो केमिकल वाली खाद बिल्कुल नहीं डालती। और उनका रिजल्ट देखिए आप कितना अच्छा आया है। आप भी इस तरह से यूज़ कीजिए। मेरे जो बनाने का खाद बनाने का तरीका है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए कितने इनकी साइज भी आप देख सकते हो, बहुत बड़ी है। और ये देखो गुलाब में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, और सारी ये पॉट के अंदर हैं। कोई भी ये नहीं है कि खुद ही मैं अपनी खाद वगैरह जो भी है। और ये देखिए एक ये मधुमालती का भी थोड़े दिन पहले ही मैंने प्लांट लगाया था, उसकी सारी पत्तियां नई आई हैं और काफ़ी फूल भी आने लग गए हैं इसके अंदर। देखिए ये मेरा जो एरिया है ये पूरा खाद बनाने का एरिया है। यहाँ पर सारी खाद मैं खुद किचन वेस्ट से बनाती हूँ, और वही सब इनके अंदर डालती हूँ। किचन वेस्ट से ही जो भी खाद बनती है, देखिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और अपनी खुद से मेहनत से ये हुई है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस